प्रणाम दोस्तों, मैं हूं गणेश वरकर। आप देख रहे भारत की खबर और पॉलिटिकल न्यूज़। आज एक ऐसी चीज़ बताता हूं कि आप खुद शॉकिंग हो जाएंगे, लेकिन इस बारे में किसी का ध्यान ही नहीं गया, क्योंकि बाकी सब लोग वही चीज़ें बता रहे हैं जो लोग पहले सर्च कर चुके थे, जो चैनल्स पर दिखा रहे थे। क्योंकि चैनल्स के कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, चैनल अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी के बेस पर चलते हैं, हर चैनल एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है तो उसके गुण वो गाता है। ऐसे ही हमारा देश का न्यूज़ चैनल है, बहुत सारे कुछ चैनल्स छोड़ के जो वाकई में इंसाफ और इन सब की बातें करते हैं। किस चैनल की क्या है, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक बात सारे लोग भूल गए इस मामले में। आपने देखा होगा सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। न्यूज़ मीडिया और सबके कितने सारे झगड़े हुए, पॉलिटिक्स में झगड़े हुए, न्यूज़ वालों में भी झगड़े हुए। ये मैंने कभी नहीं देखा था कि दो न्यूज़ वाले भी झगड़ा कर रहे, ये भी हुआ। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसका रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है? आपने एक बात देखी होगी, मुंबई, स्पेशली मुंबई, मुंबई मैं यहाँ 16 साल से हूँ, बॉलीवुड में हूँ, मुंबई में हूँ 16 साल से, मैं देख रहा हूँ हमेशा हमेशा छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर कोई करता है, लेकिन कोरोना का जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से एक अलग माहौल था। मार्च 22 से लेकर 14 जून इस बीच में एक माहौल ऐसा था जिसमें सारे लोग, सारे नेता एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, क्योंकि एक पैंडेमिक बीमारी पूरे वर्ल्ड के ऊपर आई थी, पूरे ह्यूमन के ऊपर आई थी। सब लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, सब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, अपने घर में रहो, एंटरटेन कैसे करो अपने आप को, और उसके बाद क्या क्या ऐसी चीज़ें करो जिससे कोरोना से आप बचो, और ये सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे। यहाँ तक कि बीजेपी की गवर्नमेंट शिवसेना को सपोर्ट कर रही है, शिवसेना की गवर्नमेंट कांग्रेस को सपोर्ट कर रही है, और कई बार बीजेपी लोगों ने शिवसेना की तारीफ की, चलो अच्छा अच्छा काम कर रहे हो आप, चलो शिवसेना की भी कांग्रेस लोगों ने तारीफ की, बहुत अलग एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। लोग जो शायद एक दूसरे के दुश्मन भी होंगे वो भी एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, मुंबई में स्पेशली, और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में स्पेशली सारे लोग पुलिस की तारीफ कर रहे थे कि नहीं, पुलिस इतने कोरोना के सीजन में भी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर आती है, लोगों को बोलती है अंदर जाओ, ये करो वो करो, यहाँ तक कि पुलिस बाहर निकलने वालों के लिए जो तफरे करने के लिए घूम रहे थे लड़के, जो गलत है कोरोना के सीजन में, लेकिन उसको डंडे मार रही थी पुलिस, फिर भी लोग उनको अच्छा बोल रहे थे क्योंकि वो सही उस टाइम कोरोना के लिए लड़ रही थी मुंबई पुलिस। उसके बाद डॉक्टर की तारीफ की जा रही थी सारी मुंबई और महाराष्ट्र में, क्योंकि वो लोग बेचारे कोरोना के लिए लड़ रहे थे और मर भी रहे थे, ये बात फैक्ट है। उसके बाद कई डॉक्टर्स की मौतें हुई इस वजह से, और कई लोगों ने एक दूसरे को, नेताओं लोगों ने पर्टिकुलरली, ये सीजन मैंने कभी भी नहीं देखा, नेता लोग इंडिया के एक दूसरे से सपोर्टिव हो गए थे, बहुत सपोर्ट कर रहे थे। मैंने कई नेताओं की तारीफ सुनी है, यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की तारीफ खुद कुछ बीजेपी के लोगों ने की है कि नहीं सीएम शायद लॉकडाउन उन्होंने बढ़ाया, अच्छी चीज़ की है, ये सब ऐसा जो अप्रैल के बाद उन्होंने बढ़ाया था, तो ये मैंने सुना कि नहीं है शायद, ये तो सब लोग, मैंने देख रहा था, मैं भी उस टाइम यूट्यूब देखता था, उद्धव जी का डायरेक्ट यूट्यूब देखता था, उनका कुछ लाइव आते थे शायद वो दोपहर के टाइम पे, तो मैं वो देखता था कि क्या बोलने वाले हैं कोरोना के टाइम पे क्या है, क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी का लाइव देखता था, उद्धव जी का देखता था, क्योंकि सीएम है हमारे, तो उस टाइम कोरोना के टाइम पे मैं देख रहे थे कि क्या नई चीज़ बनाई है, क्या है, क्या लॉकडाउन कब तक रहेगा, अब कौन सी दुकानें खुली है, कौन से टाइम पे खुली है, ये सब के लिए ज़रूरी था, सब लोग देख रहे थे, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, नेता हो, डॉक्टर्स हो या पुलिस हो। 14 जून के बाद इन तीन लोगों के ऊपर, डॉक्टर, पुलिस, नेता, तीनों के ऊपर ऑब्जेक्शन आ गए। नेता लोग आपस में लड़ रहे, डॉक्टर मुंबई और उसके डॉक्टर को क्या क्या सुनना पड़ रहा है आप भी जानते हो, कुपर में और ये सब, मुंबई पुलिस को तो बस तो क्या इसके तार अचानक क्या हुआ ऐसा चेंज 14 जून? ऑफकोर्स हम जानते हैं कि कुपर में क्या किया है, रातों रात पोस्टमार्टम और इतनी सारी चीज़ें कुपर ने की है, बहुत सारी चीज़ें गलत है, सीधा सामने नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को भी दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर्स ने गलत किया, मुंबई पुलिस तो 100% गलत किया उन्होंने कि 15 मिनट में सुसाइड डिक्लेयर करना और ये सब चीज़ें हुई है। और नेताओं ने तो ऑफकोर्स शिवसेना के, मैं तो पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि शिवसेना के 100% यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये 14 जून के बाद अचानक माहौल क्या बदल गया? अचानक जो पहले था 22 मार्च से लेकर 14 जून तक एक पर्टिकुलर माहौल था पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में पर्टिकुलरली ज़्यादा,
ये पूरे देश में अलग ही माहौल बन गया 14 जून के बाद। और 14 जून से लेकर 19 जुलाई तक फिर भी ठीक था, वो लोगों ने भड़काया भड़काया करके 19 जुलाई के बाद कुछ और ही बन गया। 19 जुलाई के बाद ये कुछ अलग ही मैटर बन गया, जिसमें नेताओं की तो छोड़ो, नेताओं तो नेता लोग तो लड़ते ही रहते हैं आपस में, नेताओं की छोड़ो मीडिया भी आपस में लड़ रही थी। ये हो रहा था, अब ये क्यों हो रहा है अचानक, और इसमें अचानक जो पहले इतने सी चीजें हो रही थी वो अचानक पलट गई। ऑफकोर्स इसमें 100% गलती है महाराष्ट्र के नेताओं की जो पार्टी में है, कांग्रेस हो, शिवसेना हो या एनसीपी हो, तीनों की गलतियां है, 100% गलतियां है। और शिवसेना 100% इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि उनको कोई मतलब नहीं था बीच में बोलने का, फिर भी वो बोले जा रहे थे। मतलब क्या होता है, वही होता चोर की दाढ़ी में तिनका जो बोलते हैं। तो यहाँ तो इतनी गलतियां करने का कोई मीनिंग नहीं था, जब हम बोल ही नहीं रहे थे आपके बारे में, आप मुंह उठा के अंदर आके बोलते हो तो 100% गलतियां थी। डॉक्टर्स ने क्या किया ऊपर हॉस्पिटल में, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, सब जानते हैं। मुंबई पुलिस ने तो इस पूरे मूवमेंट का ही कचरा कर दिया था, और शायद अभी भी हम उस कचरे को झेल रहे हैं, क्योंकि सबूत और एविडेंस काफ़ी कुछ मिटा चुकी है मुंबई पुलिस, ये हम भी देख चुके हैं। इसमें कोई दूसरी राह नहीं है कि मुंबई पुलिस ने बहुत गड़बड़ की है, सबूत मिटाए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पहले क्या था, मेरा कहने का मतलब ये है, सारा का सारा कहने का सारांश ये है कि इसका मतलब ये है, जो पूरा का पूरा महाराष्ट्र, पूरा का पूरा इंडिया, डॉक्टर्स, पुलिस, एक दूसरे के नेता भी एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, वो अचानक जो बदल गए, ऐसा कुछ तो बड़ा है, कुछ तो बड़ा है। मतलब एक नहीं, दो नहीं, पांच या छह लोग, बड़े बड़े लोग हैं, ताकि उनके लिए पूरा का पूरा सिस्टम ही बदल गया, पूरा ही बदल गया। डॉक्टर्स बेईमान, पुलिस बेईमान, नेता बेईमान, मीडिया भी एक दूसरे को सुना रही है। जो माहौल इतना अच्छा था कोरोना में, मतलब ऑफकोर्स सबके ऊपर बुराई हो रही थी, ह्यूमन मर रहे थे, लोग मर रहे थे, पैंडेमिक बीमारी आई थी, लेकिन ये किसी की गलती नहीं थी, किसी नेता की या किसी की गलती नहीं थी, जो आ गई तो सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, और सपोर्टिंग पब्लिक भी सपोर्ट कर रही थी। लेकिन चेंज, अचानक चेंज, इसका मतलब यही है, लास्ट में यही बनता है, कहने का पूरा सारांश का मेरा मतलब ये कि लास्ट में किसी को बचाया जा रहा है, जो पांच छह लोग है, एक आदमी भी नहीं हो सकता, क्योंकि पांच छह लोग है, जो मेरे इंफॉर्मेशन जो मैंने पहले शेयर की थी, पांच छह लोग जो है 101% देयर आर ऑल ऑज बिग, और जो भी नेक्सस हम देख रहे हैं कि ड्रग्स, अंडरवर्ल्ड और ये सब 100% इन्वॉल्व है, बिकॉज ऑफ दैट कि इतना अच्छा माहौल अचानक बदलने का तो स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, ऐसा तो नहीं होता कि पूरा देश एक लेवल पे है और अचानक ही बदल गया। मतलब पहले नेता लड़ते थे, एक दूसरे के गलतियां देखते थे, और फिर हर कोई करता है अपने कॉम्पिटिटर को, लेकिन एकदम अचानक एक पैंडेमिक बीमारी आने के बाद सब एक साथ हो गए, और फिर अचानक एक दूसरे से लड़ पड़े, और जो जो लोगों की तारीफ कर रहे थे जनता भी, मतलब नेता हो, डॉक्टर्स हो या पुलिस हो, वो अचानक उनकी ये कर रही, क्या बॉलीवुड स्टार हो, इनफैक्ट मैं भूल गया बॉलीवुड स्टार के बारे में बोलना, बॉलीवुड स्टार हो, बॉलीवुड स्टार की लोग तारीफ कर रहे थे कोरोना के टाइम पे, चलो अच्छा अच्छा मैसेज दे रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, नहीं अचानक वो बदल गए, ऐसा क्या था। मतलब 100% ये आपको मैं श्योरिटी के लिए बनाया वीडियो कि 100% ये है इन्वॉल्व, ये आदमी जिसको हम लोग बेबी पेंगुइन बोलते हैं, और बाकी लोग जो भी जो नाम है वो सब 100% इन्वॉल्व है, ये ड्रग्स वग बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है, क्योंकि ऐसे नहीं होता है अचानक माहौल बदल गया है, पूरा अपोजिट। थिंक अबाउट दिस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये पॉलिटिकल एनालिसिस मेरा कई रिपोर्टर्स को मिलने के बाद होता है, तो आप इस पर ध्यान दीजिए, और मैं खुली छूट देता हूँ आप लोगों को, क्योंकि बाकी लोगों को, बाकी यूट्यूबर्स को, उसकी इसके बारे में सोच के अपने अपने व्यूज़ रखें, ताकि समझ में तो आए लोगों को, क्योंकि मेरे शायद व्यूज़ नहीं है ज़्यादा, तो आप लोगों को कम से कम ये बात पहुँचाओ। थैंक यू सो मच।